हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो यूपी बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप काउंसलिंग के टाइम चॉइस फिलिंग कैसे करें जिससे कि आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांस बढ़ जाएं। देखिए, जिनकी रैंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, लेकिन जिनकी रैंक 16,000 या 15,000 बिलो हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, अगर वो चॉइस फिलिंग काफ़ी ध्यान से करें। ओके, देखिए चॉइस फिलिंग के बारे में आपको बता देती हूँ। जब आप चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा संस्कृत का, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत थी तो आप येस कर देना, अदरवाइज वो ऑलरेडी नो रहेगा। दूसरा ऑप्शन आएगा जेंडर करेक्शन का, अगर आपका गलती से फॉर्म में जेंडर इनकरेक्ट फिल हो गया है तो यहाँ पर आपको करेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। देखिए, आपको जो चॉइस फिल करनी है वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है। ये नहीं है कि आपको, आपने मान लीजिए 3 कॉलेज फिल किए, अब आपको जो कॉलेज सबसे ज़्यादा पसंद है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको तो आप 3rd नंबर पर लिख देते हैं, और जो आपको कम पसंद है आप उसको 1st नंबर पर लिख देते हैं। तो अगर 1st नंबर वाले में सीट वैकेंट होंगी तो आपको 1st वाला ही मिलेगा, जो आपको ज़्यादा पसंद था और आपने 3rd नंबर पे लिख दिया वो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इसीलिए आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही कॉलेज लिखना है। अगर आपको जो कॉलेज सबसे ज़्यादा पसंद है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप 1st नंबर पे लिखेंगे, इसी तरह से जो उससे थोड़ा सा कम प्रेफरेंस पे है वो 2nd 3rd, इस तरह से आप कॉलेजेस लिखते जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये, काफ़ी कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि उनको 4-5 कॉलेज अलॉट होंगे फिर उनको चॉइस करने को मिलेगा कि उन्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही कॉलेज अलॉट होगा। देखिए, आपने जैसे 3 कॉलेज आपने फिल कर दिए, अगर 1st में वैकेंसी नहीं है तो आपको 2nd मिलेगा, 2nd में वैकेंसी नहीं है तो आपको 3rd मिलेगा, तो कॉलेज आपको सिर्फ एक ही अलॉट होगा। आगे देखिए, कैंडिडेट्स कैन गिव एज मैनी एज चॉइसेस दे वांट। तो देखिए, कैंडिडेट्स कितनी भी चॉइस फिल कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलेजेस आप फिल कर सकते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी आप कॉलेज फिल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव मोर चॉइसेस टू अवॉइड रिजेक्शन इन अलॉटमेंट, और एडवाइस ये दी जाती है कैंडिडेट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट करें ताकि आप रिजेक्ट ना हो। आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज और अलग अलग यूनिवर्सिटी के कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। चॉइसेस कैन बी प्रीव्यूड एंड रीअरेंज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल फाइनल सबमिशन। चॉइसेस को फाइनल सबमिट होने से पहले आप कितनी भी बार रीअरेंज कर सकते हैं, उनको कितनी भी बार देख सकते हैं, तो जब तक के फाइनल डेट नहीं आती सबमिट करने के लिए। ओके, चॉइसेस कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल सेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी काउंसलिंग करने बैठे तो आपको एक बार में ही सारी चॉइसेस फिल करनी है। आप आराम से सोच के, अभी आपके पास कम टाइम है, आपने 3-4 कॉलेज फिल किए हैं तो आप फिर थोड़ी देर बाद फिर कर सकते हैं, नेक्स्ट डे फिर कर सकते हैं, जब तक फाइनल डेट नहीं आती आप कितनी भी बार कॉलेज वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये करेंगे तो जितनी भी बार आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आएगा, आप उसको प्रेस करते जाएंगे तो आपके जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको जब टाइम मिले फिर उसको ओपन करके फिर आपको उसमें कोई चेंजेस करने तो आप कर सकते हैं। द चॉइसेस फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज वंस लॉक्ड। तो आप जितनी भी चॉइस फिल करेंगे, मान लीजिए आपने 20 कॉलेज फिल कर दिए, उसके बाद अगर आप लॉक ऑप्शन प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो लॉक प्रेस करने से पहले आपको जितने भी उसमें रीअरेंजमेंट करने हैं आप कर सकते हैं, लेकिन लॉक प्रेस होने के बाद कोई चेंज आप नहीं कर पाएंगे। इफ़ अ कैंडिडेट हैज सबमिटेड द चॉइसेस बट नॉट लॉक्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग इट्स ओवर, इट विल ऑटोमेटिकली बी लॉक्ड बिफोर सीट अलॉटमेंट। तो देखिए, अगर आपने चॉइस फिल कर ली, आपने 10 कॉलेज फिल कर दिए लेकिन अब आप उसको लॉक नहीं किया आपने लास्ट डेट तक, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। या फिर आपने कोई भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया तो भी वो ऑलरेडी लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान से लास्ट डेट से पहले जो भी आपको कॉलेज चाहिए प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको फिल कर दीजिए और लॉक कर दीजिए। आगे देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि
किस तरह से आप अपने चांस बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लेने के। देखिए जिनकी भी रैंक 15,000 या 16,000 के बिलो आती है तो कॉलेज तो गवर्नमेंट ओनली 10,000 है, लेकिन जिनकी रैंक इनके बिलो आती है उनके चांसेस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, तो इसका रीज़न देखिए क्या होता है। देखिए जो कुछ फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे आए होंगे, उनकी रैंक भी अच्छी होंगी, लेकिन वो रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में 75% अटेंडेंस मस्ट होती है, वो अटेंड नहीं कर पाती हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस के रूल भी कहीं ना कहीं काफ़ी टाइट होते हैं, तो फीमेल या तो फिर वो मैरिड हैं या फिर कॉलेजेस जाना अलाउड नहीं है, या फिर किसी भी रीज़न से सिर्फ वो बीएड करना चाहती है कॉलेज अटेंड नहीं कर सकती हैं, कभी कभी ही कॉलेज जा सकते हैं, तो ऐसे में वो उस सीट को छोड़ देंगे और जो उनसे नीचे रैंक वाले हैं उनके चांसेस गवर्नमेंट सीट मिलने के बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही नहीं होता है, रीज़न यही होता है कि वो रोज़ कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते या फिर वो अफोर्ड कर सकते हैं, ओके, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए होता है, उनका वट एवर उनका रीज़न हो, तो वो भी सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, तो फिर जो नीचे वाली रैंक्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा रीज़न है एससी एसटी। देखिए जो कैटेगरीज होती हैं एससी एसटी, उनको अगर वो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले या फिर वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले, तो उनको स्कॉलरशिप एज अ स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में भी उनको फुली रिटर्न हो जाता है उनकी मनी, तो ऐसे में तो वो ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा टेंशन नहीं रहती और गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज़्यादा टेंशन अटेंडेंस की ही होती है, ओके। तो और भी कई रीजंस होते हैं तो उसमें सीट वैकेंट हो जाती है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं बीएड करना, उनकी रैंक अच्छी है लेकिन वो छोड़ देते हैं, या तो उनकी कहीं जॉब लग गई या फिर वो किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी रीज़न होता है, या फिर उन्होंने कल सिर्फ एग्ज़ाम दिया, वो एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, तो ऐसे में भी सीट्स खाली हो जाती हैं। तो देखिए ये और ये सब एक अजम्पशंस हैं, ये आप लोग के लक पर डिपेंड करता है, और ऐसा होता भी है ज़्यादा रैंक वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो उनके रीज़न्स यही सब होते हैं। तो इसी तरह से देखिए अगर आप बॉय हैं तो आप अलग किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके भी आप कर सकते हैं बीएड, तो ऐसे में क्या है आप जब काउंसलिंग करेंगे आपकी रैंक अगर 15,000 टू 16,000 है या 20,000 तक भी है, ओके, तो आप उसमें देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में हर यूनिवर्सिटी के कितने गवर्नमेंट कॉलेज बचे हुए हैं, अगर आप कर सकते हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देखेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज बचे होंगे तो देखिए जो आपके आसपास हैं उनको आप इसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में कोई बचा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज तो पहले नंबर पे वो आपके आसपास है तो आप उसको फिल कर देंगे, इसी तरह से आगरा यूनिवर्सिटी में है तो आप उसको, इसी तरह से आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उनको आप फिल करते जाएंगे जितने भी होंगे, उसके बाद फिर आप अपने प्राइवेट कॉलेज फिल करेंगे आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ऐसे में अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इनमें से कोई जो आपने ऊपर फिल किए मिल जाएगा। गर्ल्स, तो गर्ल्स अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में किसी और यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर सकती हैं तो देखिए उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी अगर कोई ऐसी हैं कि कर सकती हैं तो फिर वो भी इस तरह से यही क्राइटेरिया अपनाएंगी, यही उनके लिए भी सेम ही सिचुएशन रहेगी, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जितनी भी यूनिवर्सिटी से आप उनको फिल कर दीजिए और फिर अपने प्राइवेट कॉलेज फिल कर लीजिए जो आपको चाहिए। तो देखिए गर्ल्स के लिए होता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं क्योंकि कुछ कॉलेजेस सिर्फ गर्ल्स के ही हैं, ओके, तो उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज अपने डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाता है, तो इस तरह से आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में, और बाकी आप सबका लक है। अब देखिए यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको, जैसे कॉलेज फिल करने हैं तो मान लीजिए आपने ये चार कॉलेज फिल कर दिए तो आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग,
आपको ये चाहिए तो आप इसको पहले, ये वाला चाहिए तो आप इसको पहले ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपको जो फर्स्ट पे था उसको सेकंड पे रखना है और सेकंड वाले को फर्स्ट पे, तो आपको यहाँ पर एरो दिए हैं, इनसे आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कॉलेज चाहिए ही नहीं तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अभी भी आपको कोई किसी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। लेकिन पहले आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अगर जो भी मैंने वीडियो में बताया अगर आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं और सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।